Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes. Today we are going to start read up chapter 2 hardware and software. आज इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कंप्यूटर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था. अब उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होते हैं एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. तानिया बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट अ वंडरफुल मशीन कंप्यूटर इज. इट कैन डू सर्वल टाइप्स ऑफ जॉब्स. इट इज़ वेरी फास्ट एंड सेव अवर टाइम. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. अब तानिया तुम ये जान चुकी हो कि कंप्यूटर कितनी वंडरफुल मशीन है. हम भी जानते हैं ये बात तो कि कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है जो बहुत सारा काम कर सकती है. इट कैन डू सर्वल टाइप्स ऑफ जॉब्स, मतलब ये एक ही समय में कई तरह के काम कर सकती है. सर्वल मीन्स कई तरह के काम कर सकती है. इट इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत तेज है. एंड सेव अवर टाइम, अगर हम इस पर काम करते हैं तो इससे हमारे समय की बचत भी होती है. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. और आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर में जो कॉम्पोनेंट्स यानी जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कॉम्पोनेंट्स है उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. युग, वॉट डू यू मीन बाय द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. युग, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर के कॉम्पोनेंट्स यानी घटक क्या होते हैं, ये तो अब आगे हम पढ़ेंगे. ए कंप्यूटर सिस्टम हैज टू सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट्स. दीज आर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जो कंप्यूटर के अंदर कॉम्पोनेंट्स यानी जो घटक होते हैं जिनके द्वारा वो काम करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में कि हार्डवेयर क्या और सॉफ्टवेयर क्या है. तो जो कंप्यूटर में जो दो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल. अब आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. हार्डवेयर, हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन बी सीन टच्ड एंड फील. द फिजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर. अब हार्डवेयर क्या होते हैं जिनको हम सीन कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, टच्ड यानी छू सकते हैं, फिर यानी हम फील कर सकते हैं. जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं, वो सभी जो डिवाइसेस होती है जो कंप्यूटर में, वो सारी किसके अंदर आती है, हार्डवेयर के अंदर आती है. द फिजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर. और जो कंप्यूटर के जो फिजिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जो भौतिक घटक होते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, हार्डवेयर के अंदर. नेक्स्ट, चेंज द पेज. मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, सीडी, माउस, स्पीकर्स, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव आर द हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. अब आपको ये बता दें कि हार्डवेयर के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स आते हैं उनमें क्या क्या है. तो फर्स्ट है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, सीडी, माउस, स्पीकर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव. ये सभी जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हार्डवेयर के अंदर. द हार्डवेयर कैन बी यूज एज इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. मतलब जो हार्डवेयर के जो अंदर आते हैं वो इनपुट के लिए भी यूज होते हैं और आउटपुट के लिए भी यूज होते हैं. ए माउस एंड ए कंप्यूटर आर मोस्टली यूज इनपुट डिवाइस. और अब इसमें जो माउस और कीबोर्ड है, हम भी जानते हैं हमने इन दोनों डिवाइस का यूज़ किया हुआ है. इन दोनों डिवाइस का यूज़ मोस्टली इनपुट करने के लिए किया जाता है. कंप्यूटर में हमको उसको कुछ फीड करने के लिए किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस. माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस इनटू ए कंप्यूटर. अब जो माइक्रोफोन है नाम से ही पता चलता है, इसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए. लाइट पेन, इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस. इट लुक्स लाइक ए पेन दैट कैन बी यूज ऑन ए स्पेशल पैड. इट अलाउज अस टू ड्रॉ विथ अ लाइट पेन. वी कैन ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. अब क्या है लाइट पेन, अब जो लाइट पेन है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है. ये दिखने में बिल्कुल पेन की तरह होता है जिसको एक स्पेशल पैड पर रखकर इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है ड्रॉ करने के लिए. और ये एक इकलौती ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम मॉनिटर स्क्रीन पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. मतलब
लाइक हम जब कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो हमें पहले टाइप करना होता है, फिर हमें वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है, और माउस का जब हम यूज़ करते हैं तो उससे भी हम पहले माउस का यूज़ करते हैं तब वो हमें रिजल्ट स्क्रीन पे दिखाता है। लेकिन जो लाइट पेन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम डायरेक्टली मॉनिटर स्क्रीन पर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। इट इज़ यूज टू प्ले कंप्यूटर गेम्स विद द हेल्प ऑफ द जॉयस्टिक। वी कैन मूव अराउंड द आइटम्स ऑन ए स्क्रीन। जॉयस्टिक, अब जॉयस्टिक का यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में गेम्स को खेलने के लिए, और जो गेम्स है वो हम किसकी मदद से खेलते हैं, जॉयस्टिक की मदद से। वी कैन मूव अराउंड द आइटम्स ऑन ए स्क्रीन, और जो मतलब कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उनमें चारों तरफ घूमने के लिए, क्योंकि गेम्स होते हैं वो एक जगह पर नहीं होते हैं, वो चारों तरफ घूमते हैं, तो उनको चारों तरफ मतलब अपने आसपास कहीं भी घुमाने के लिए किसका यूज किया जाता है, जॉयस्टिक का। नेक्स्ट है स्कैनर। ए स्कैनर कैन कॉपी पिक्चर एंड पुट देम इनटू ए कंप्यूटर। अब स्कैनर का क्या यूज होता है, स्कैनर का यूज होता है पिक्चर्स को कॉपी करना और उनको कंप्यूटर में पुट करना यानी डाल देना। फिर है ग्राफिक्स टैबलेट। ए टैबलेट यूज टू क्रिएट डिजिटल ड्राइंग ऑन ए फ्लैट सरफेस। अब जो टैबलेट है इसका यूज़ किया जाता है डिजिटल ड्राइंग के लिए ऑन ए फ्लैट सरफेस। देखो यहाँ पे हमें पिक्चर में भी दिख रहा है फ्लैट यानी हम बोल सकते हैं सतह पर, उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रैक बॉल। ए ट्रैक बॉल हैज ए बॉल दैट कैन बी रोटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अब जो ट्रैक बॉल है इसके अंदर अब नाम से ही हमें पता चलता है ट्रैक बॉल यानी बॉल है, और इसका यूज़ किया जाता है जब हम बॉल को जैसे जैसे घुमाते हैं तो वैसे वैसे जिस डायरेक्शन में भी हमको उसको ले जाना होता है हम उसको ले जा सकते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, हमें जिस डायरेक्शन में ले जाना होता है इस डायरेक्शन में अलग अलग मतलब यहाँ से वहाँ भी ले जाना है तो हम बॉल को रोटेट यानी घुमा कर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।